नागपुर का उत्तम वस्तुओं के निर्माण और निर्यात का केंद्र बनाया जाना चाहिए, ऐसी जानकारी गठे कामगारों को अस्थायी जगह वितरण कार्यक्रम में नितिन गडकरी इन्होंने दी। इस मौके पर दर्जनों गठिया कामगार मौजूद थे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि समाज के प्रत्येक घट के प्रारंभिक समस्याओं के निवारण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। गठे कामगारों की समस्या बीते 9 वर्ष से प्रारंभित थी, जिसे 9 दिनों में निपटाने का संकल्प लिया था। अधिकारियों की मदद से आज हम 36 कामगारों को जगह का अनुमति पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनपा के स्थावर विभाग में कामगारों के लिए एक स्वतंत्र कक्ष स्थापित किया गया है। सभी गठे कामगारों को संत रविदास आश्रय योजना के तहत 100% अनुदान पर स्टॉल बनाकर दिया जाएगा। 133 आवेदन मनपा को मिले हैं, जिसमें से 106 मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चर्मकार समाज बंधु जूते चप्पल बनाते हैं। इस तरह विविध समाज के लोगों का अपना अलग उद्योग है। इन पारंपरिक उद्योगों से बने उत्पादकों का नागपुर निर्यातक बनना चाहिए। नागपुर को उत्तम वस्तुओं के निर्माण और निर्यात का केंद्र बनाया जाना चाहिए। वे मनपा की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के निमित्त आयोजित गठे कामगारों को स्टॉल के लिए अस्थायी जगह देने का अनुमति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उनके हाथों 36 कामगारों को अस्थाई जगह वितरण का लाइसेंस दिया गया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय मिलिंद मेश्राम जी का कि जिनसे मैंने पूछा कि भैया जी ने जो निवेदन दी है इन लोगों को हम कितने जल्दी लीज पट्टे का वाटअप कर सकते हैं। कारण भैया जी ने बताया कि 2011 से ये यदि प्रलंबित है, 9 साल हो गए हैं। अब 9 साल मेरे चमकार बंधु धूप और बारिश में सड़क पर बैठ करके रोजगार करे और उसमें भी अनेक बड़ी उम्र के लोग हैं, अनेक मेरी बहनें हैं। ये स्थिति जब उनके मुंह से मैंने सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मेश्राम जी से पूछा कि अगर 9 साल रोके हैं तो क्या हम 9 दिन में इसको कर सकते हैं क्या? मेश्राम जी ने कहा कि अगर इन्होंने सारे पेपर्स ला करके दिया तो हम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, BC News नागपुर।